हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PISNS। आज मैं एक ऐसे सिरप के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप लोगों को दर्द रहता है, इन्फेक्शन रहता है या बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी का वर्णन इस वीडियो में जरूर करेंगे। और साथ ही ये भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि इसको कौन कौन ले सकता है और किस समय इसका सेवन करना है और इस दवाई का क्या नाम है। इन सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में जरूर बताई जाएंगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये जो सिरप है इसका नाम भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसके गुण जान लेते हैं कि किस किस बीमारी में किस तरह से इसका प्रयोग होता है। देखिए, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो रिंग वॉर्म हो या खून में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है या किसी तरह की एलर्जी हो गई है, तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम हो गई है, अल्सर क्या होता है कि जब आपकी आंतों में घाव हो जाते हैं, और वो घाव किस वजह से हो सकते हैं, वो ज़्यादा तला चिकना या बाहर की ज़्यादा चीज़ों को खाने के कारण भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को आंतों में इन्फेक्शन हो गया है या आंतों में घाव हो गया है, या कह सकते हैं अल्सर की प्रॉब्लम हो गई है, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। कौन सी बीमारी में कैसे इसका सेवन करना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताऊंगी। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, यानी कि आप लोगों को मधुमेह रोग है, आप लोगों की ब्लड में शर्करा बहुत ज़्यादा हो गई है और दवाइयाँ लेने पर भी वो नॉर्मल नहीं होता है, तब आप इस सिरप का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस सिरप का प्रयोग अनीमिया रोग में किया जाता है। अनीमिया क्या होता है कि जब खून की कमी हो जाती है तो वो अनीमिया होता है। गाउट की प्रॉब्लम में भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप लोगों को पीलिया की शिकायत हो गई है तो पीलिया की शिकायत में भी आप इस सिरप का सेवन कर सकते हैं। थोड़ा सा काम करने के बाद ही आप लोग थक जाते हैं या हमेशा ही थकान फील करते हैं, तब भी आप इस सिरप का सेवन कर सकते हैं। इसमें आंवला और करेला दोनों का ही मिक्स रूप है और आप इसका सेवन भी कोई भी कर सकता है, यानी कि बच्चों से लेकर के और बुजुर्ग तक इसका सेवन कर सकते हैं। और इसका नाम है आंवला करेला जूस, जो कि पतंजलि से लिया हुआ है। और इसका सेवन कैसे करना है, इसका सेवन सुबह खाली पेट यानी कि शौच जाने के बाद इसका सेवन करना है। कैसे करना है, 2 चम्मच करेला आंवला जूस लीजिए और 2 ही चम्मच उसमें पानी मिलाइए और इसको पी जाइए। इसको पीने के आधे घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसका सेवन शाम को भी खाली पेट करना है, यानी कि खाना खाने के बाद या शाम को 6 बजे के करीब आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने के आधे घंटे बाद तक आप लोगों को कुछ भी खाना पीना नहीं है। और परहेज के तौर पर आप लोगों को तली चिकनी चीज़ें नहीं खानी हैं, बाहर की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। मात्रा की बात करें तो जो बुज़ुर्ग हैं और यंग हैं वो 2 चम्मच ले सकते हैं, और बच्चों को इसकी मात्रा आधी करके देनी है। तो इस तरह से आप लोगों को इसका सेवन करना है। कितने टाइम तक करना है, 3 महीने इसका प्रयोग कीजिए और फिर 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए और फिर से 3 महीने के लिए इसको स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों की प्रॉब्लम हो जाएगी खत्म। उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।